हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं वीलन ट्रिपल सी को हर पल जानो। दोस्तों, आज के जमाने में जब हमारे पास है डिजिटल स्कैनर जिनकी मदद से हम कर सकते हैं फोटोकॉपीज काफी फास्ट, काफी अच्छी क्वालिटी में, लेकिन तब भी हम आज भी यूज करते हैं फोटोकॉपी मशीन्स को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करने के लिए। कलर के लिए तो जरूर हम डिजिटल स्कैनर यूज कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपीज की तो आप जाते हैं फोटोकॉपी मशीन्स के पास ही, और आज भी रिफर करते हैं उनको ही। लेकिन क्या कभी आपने दोस्तों फोटोकॉपी मशीन के पीछे की वर्किंग को समझने की कोशिश की है? क्या आपने सोचा है कि काम आखिर में होता कैसे है? तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी के बारे में, कैसे काम करती हैं आपकी फोटोकॉपी मशीन्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, फोटोकॉपी मशीन के बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक फिनोमिना जिसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने 11th क्लास में फिजिक्स की बुक में जरूर से पढ़ा होगा, और इसका एक रियल एग्जांपल आपने जरूर ट्राई भी किया होगा। जब आप करते थे बलून को फुलाते थे, और जब आप क्या करते थे उसको अपने स्वेटर से रब करते थे, और उसके बाद आप उसको दीवार वगैरह पे चिपकाते थे तो वो चिपक जाता था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गिर भी जाता था। तो होता क्या था दोस्तों, जब आप उसको अपने स्वेटर से रब करते थे तो आपके स्वेटर से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते थे बलून की तरफ, और इस वजह से आपके स्वेटर पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती थी। उस एरिया पे जहां पर रब करते थे वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती थी, और वो एरिया हो जाता था पॉजिटिव चार्ज, बलून हो जाता था नेगेटिव चार्ज। और जब आप उस बलून को अपने स्वेटर पे छोड़ देते थे तो वो थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी हो जाता था। और क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता था कि बलून अब क्या है, नेगेटिव चार्ज है और आपको स्वेटर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में होता था अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस वजह से एक फोर्स डेवलप हो जाती थी, और वो फोर्स बलून को होल्ड करके रखती थी। थोड़ी देर बाद जब चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते थे तो बलून अपने आप गिर जाता था। अब यही प्रिंसिपल जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो यूज होता है हमारी फोटोकॉपी मशीन के अंदर। फोटोकॉपी मशीन की वर्किंग से पहले मैं फोटोकॉपी मशीन के चार बेसिक पार्ट आपको बताना चाहूंगा जो हर मशीन के अंदर होते हैं, और बेसिकली इन्हीं पार्ट्स की मदद से वर्क करती है आपकी फोटोकॉपी मशीन। इसका जो हार्ट है, यानी अगर मैं फोटोकॉपी मशीन का हार्ट बोलूं तो वो होता है फोटो रिसेप्टर ड्रम। ये एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है। दूसरा होता है आपका दोस्तों टोनर कार्ट्रेज, तीसरा होता है आपका दोस्तों लैंप, और चौथा होता है आपका दोस्तों कोरोना वायर। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों एक एक करके कि फोटोकॉपी मशीन एक्चुअल में काम करती कैसे है। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम, जिस डायग्राम में आपको पूरा एक फोटोकॉपी मशीन का अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। नंबरिंग है 1 2 3, और मैं चालू करता हूँ नंबर 1 से। दोस्तों होता क्या है, जैसे आपने अपनी फोटोकॉपी मशीन को ऑन करते हैं तो आपका जो ड्रम है उसको होना होता है पॉजिटिवली चार्ज, यानी आपका जो फोटो रिसेप्टर ड्रम है उस पे लगा होता है एक फोटो कंडक्टिव मटेरियल, और वो जो फोटो कंडक्टिव मटेरियल है दोस्तों वो होता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज होता कैसे है, जैसे आपने अपनी फोटो मशीन को ऑन किया तो जो कोरोना वायर है जो फोटो रिसेप्टर ड्रम के पास लगा हुआ है वो हाई वोल्टेज की वजह से उसके पास हाई वोल्टेज जाता है और वो हो जाता है चार्ज, और वो अपना पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर देता है फोटो रिसेप्टर ड्रम को, और फोटो रिसेप्टर ड्रम जो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब जैसे ही आप डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए ग्लास प्लेट पे डॉक्यूमेंट रखते हैं, जैसे कि नंबर 1 वहां पे लेबलिंग है तो वहां पे आपने नंबर 1 पे अपने डॉक्यूमेंट को रखा, नंबर 2 पे आप देख सकते हैं वहां पे एक लाइट लैंप है। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि आप जो फोटोकॉपी मशीन में स्कैन करते हैं तो आप देखते हैं एक लाइट जो है वो मूव करती है, ट्रेवल करती है अक्रॉस। तो बेसिकली लाइट आप जनरली यूज करते हैं ग्रीन, या फिर यूज करते हैं आप ब्लू को। तो बेसिकली वो जो लाइट है वो कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होती है। अब एंगल पे क्यों इंक्लाइंड होती है दोस्तों, क्योंकि जो लाइट है वो जाती है डॉक्यूमेंट को हिट करती है और रिफ्लेक्ट होकर फोटो रिसेप्टर ड्रम पे आती है, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं। तो लाइट कुछ एंगल पे मूव करती है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसी लाइट जाती है डॉक्यूमेंट को हिट करती है और फोटो रिसेप्टर ड्रम पे आती है, तो फोटो रिसेप्टर ड्रम पे होता क्या है दोस्तों, वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब व्हाइट जो लाइट है वो आपके डॉक्यूमेंट के व्हाइट एरिया से ही रिफ्लेक्ट होती है, डार्क एरिया से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। यानी डार्क एरिया मतलब आपको जो भी मैटर है, जो भी टेक्स्ट है उससे रिफ्लेक्ट नहीं होती, इससे व्हाइट एरिया से रिफ्लेक्ट होती है। और दोस्तों जो लाइट होती है वो भी इलेक्ट्रॉन्स से बनी होती है, मतलब उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि उसके अंदर भी एटम्स होते हैं। तो बेसिकली जैसी लाइट आपकी हिट करती है फोटो रिसेप्टर ड्रम को, जो रोलिंग सिलेंडर होता है घूमता रहता है कॉन्स्टेंटली, उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है तो जहां जहां पे लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होके आ रही है उतने उतने हिस्से पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉजिटिव चार्ज को कर देते हैं न्यूट्रलाइज, और जो डार्क एरिया है जहां से कोई भी लाइट नहीं आ रही तो वो एरिया बच जाता है पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो आपका फोटो रिसेप्टर ड्रम है रोल होता है और नीचे की तरफ आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 5th नंबर पे लगा हुआ है वहां पे टोनर कार्ट्रेज जिसके अंदर रखा होता है टोनर पाउडर, और टोनर पाउडर आपका होता है नेगेटिवली चार्ज।
तो जैसे ही ये टोनर पाउडर नेगेटिवली चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में आता है, जैसे ही आपका फोटोरिसेप्टर रोल होकर उस टोनर कार्ट्रिज के पास से निकलता है, तो जो टोनर पाउडर है वो जाके अट्रैक्ट हो जाता है फोटोरिसेप्टर ड्रम पर, और जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां पे जाके वो चिपक जाता है, और जैसे ही वो चिपक जाता है तो आपका फोटोरिसेप्टर ड्रम वहां से रोल होता है, और तभी आपका जो ट्रे होती है, यानी 7 नंबर पे आप देख सकते हैं वहां पे ट्रे होती है, ट्रे में से निकल के आता है आपका बेसिकली जो पेपर रखे होते हैं नीचे स्टोर कर, वो पेपर आता है, वो पेपर एक बेल्ट के थ्रू ऊपर आता है, लेकिन वो जब ऊपर आ रहा होता है उससे पहले वहां पे भी लगे होते हैं कोरोना वायर्स, वो कोरोना वायर्स जो है पेपर को कर देते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और पेपर हो जाता है आपका पॉजिटिवली चार्ज, फिर वो पेपर आता है बेल्ट के थ्रू ऊपर, और आप देख सकते हैं जब ऊपर आ जाता है यानी फोटो रिसेप्टर ड्रम के पास आ जाता है, तो वो पेपर जो पॉजिटिवली चार्ज है वो जो टोनर है उसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, और जो टोनर है वो आपके ड्रम से निकल के आपके पेपर के ऊपर आ जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, अगर यहां से सीधा का सीधा मैं पेपर बाहर ले लूंगा तो टोनर हो सकता है कभी कभी अच्छे से चिपकता नहीं है पेपर पर, अगर हाथ लगाएंगे तो वहां पे वो डिफ्यूज हो जाएगा, वहां पर फैल जाएगा, तो ये पास होता है दोस्तों फिर एक फ्यूजर से, जिसको हम बोल सकते हैं हीटर से, और वो हीटर जो है उसको मेल्ट करता है, ये टोनर को अच्छे से चिपका देता है आपके पेपर के ऊपर, ताकि आपको एक परमानेंट कॉपी मिल जाती है आपके डॉक्यूमेंट की, और आपका जब पेपर बाहर निकलता है तो आप उसको हाथ भी लगाएंगे तो वो फिर इजीली डिफ्यूज नहीं होता। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी फोटोकॉपी मशीन जो है वो काम करती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पर, यहाँ पे सिर्फ चार्जेस का अट्रैक्शन होता है और उसकी वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी हो जाती है फोटोकॉपी। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही ड्रम एक फोटोकॉपी हो जाती है उसके बाद ड्रम दोबारा क्लीन होता है, ड्रम दोबारा से चार्ज होता है कोरोना वायर के थ्रू, और ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक आप अपनी फोटोकॉपी करते रहते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो फोटोकॉपी मशीन के बारे में, फोटोकॉपी मशीन एक्चुअल में काम करती कैसे है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में बिहाइंड द सीन प्रोसेस क्या है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलता हूं अगली बार आपसे नई वीडियो के साथ।